ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, एस्ट्रो समाधान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। कर्क राशि वालों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 24, 25, 26 और 27 जुलाई के इन चार दिनों के आपकी राशि के महाराशि फल के बारे में कि ये चार दिन आपकी राशि वालों के लिए किस प्रकार रहने वाले हैं, इन चार दिनों में आपको किन किन चीजों से फायदा होगा, किन किन चीजों से आपको सावधान रहना होगा, साथ ही साथ इन चार दिनों में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, करियर कैसा रहेगा, बिजनेस और व्यापार कैसा रहेगा और स्वास्थ्य की महत्वपूर्ण और सटीक जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको देने वाले हैं। इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें, बिल्कुल भी इस वीडियो को आप मिस ना करें, क्योंकि यह वीडियो आपकी राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। दोस्तों, वीडियो का आगे शुरू करें, सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त इस वीडियो को एक लाइक अभी करें और कमेंट्स बॉक्स में जय भोलेनाथ अवश्य लिखें, जिससे भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आपको सीधे प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं कैसा रहेगा आपकी राशि वालों के लिए भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से 24 जुलाई से 27 जुलाई यानी कि चार दिनों का यह महत्वपूर्ण समय। दोस्तों, हम सभी अपने जीवन में ढेर सारी खुशियों और पैसों की कामना करते हैं। इतना ही नहीं, इसके लिए व्यक्ति काफी मेहनत भी करता है, पर जरूरी नहीं कि हर किसी को इतनी मेहनत करने के बाद सफलता मिल ही जाए। वहीं यह बात भी सच है कि व्यक्ति चाहे कितना भी अमीर हो या फिर गरीब, एक दिन उसके जीवन में तमाम तरह की समस्याएं लगी रहती हैं। अगर बात करें हिंदू धर्म की, तो यहां शास्त्रों में हर समस्या का समाधान बताया गया है। उसी तरह व्यक्ति के जीवन में हो रही या फिर होने वाली घटनाओं के बारे में हम आप पहले से जान सकते हैं। जी हां, अगर हम ज्योतिष शास्त्र की माने तो कुल 12 राशियां बताई हैं। सभी राशियों के लिए अलग अलग नाम अक्षर निर्धारित किए गए हैं। कुंडली के अनुसार यदि किसी व्यक्ति का नाम रखा गया है तो उसके नाम का पहला अक्षर जैसा होता है वैसे ही उसकी राशि मानी जाती है। उन्हीं राशियों पर सभी का भूत भविष्य और वर्तमान निर्भर करता है। इन राशियों का स्वरूप अलग अलग होता है। व्यक्ति की राशि के आधार पर ही उसके स्वभाव का आकलन किया जाता है। वहीं प्राचीन समय में यह बताया गया है कि व्यक्ति के जन्म के समय चंद्रमा जिस राशि में होता है उसकी राशि के अनुसार नाम का पहला अक्षर निर्धारित किया जाता है। यानी कि चंद्रमा की स्थिति के अनुसार ही हमारी नाम राशि मानी जाती है। यही कारण है कि इन सभी 12 राशियों के लिए अलग अलग अक्षर बताए गए हैं और इसी के सहारे व्यक्ति अपने आने वाले भविष्य के बारे में अंदाजा लगा सकता है। इतना ही नहीं, इसके अनुसार व्यक्ति के स्वभाव के बारे में भी कई सारी बातें जानी जाती हैं। लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं जिनके बारे में ज्योतिषों का मानना है कि उनकी बंद किस्मत अब खुलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, इतना ही नहीं, बताया तो यह भी गया है कि आपकी कुंडली में अब अचानक बड़ा उलटफेर हुआ है, जिसकी वजह से आपको बहुत बड़ी खुशखबरी अब प्राप्त होगी। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को आने वाले दिनों में किस्मत का पूरा साथ मिलने वाला है। इतना ही नहीं, आपके जीवन में धन संबंधित जो भी परेशानियां चल रही हैं, समस्त परेशानियों का अब अंत होगा और आपकी पैसे से संबंधित सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी, सभी काम पूरे होंगे। आपको बता दें कि आप लोगों के दांपत्य जीवन में पहले से ज्यादा मधुरता आएगी। और तो और, हो सकता है कि आप लोग अपने परिवार के साथ कहीं बाहर घूमने भी जा सकते हैं। इतना ही नहीं, इसके अलावा आप लोग विद्यार्थी हैं तो आपको अपने कार्य में सफलता मिलेगी। लेकिन हो सकता है कि इस हफ्ते अधिक परिश्रम आपको करना पड़े। अगर बात करें आप लोगों के व्यापार की, तो इनको बहुत ही लाभ होने वाला है। आप लोगों को कोई बड़ा ऑर्डर भी मिल सकता है। और अगर आप नौकरी की तलाश में हैं, तो आपको अपनी मन पसंद नौकरी भी मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, अब आपके जीवन में
किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी। आपको बता दें कि आपके ग्रहों में अब कुछ ऐसा परिवर्तन हो रहा है जिसकी वजह से आपके जीवन में सभी दुख तकलीफें अब समाप्त होंगी और आपके सभी कार्य बहुत ही आसानी से बनने लगेंगे। धन संबंधित जो भी परेशानियां हैं सभी परेशानियों का अब अंत होगा। आपके जीवन के सभी दुख दर्द और कष्ट मिटने वाले हैं। आप लोगों का पारिवारिक माहौल बहुत ही सुख में रहेगा। आप लोगों का मन बहुत ही प्रसन्न रहेगा। आप लोगों को बहुत ही अनेकों प्रकार के लाभ होंगे। आप लोगों को यात्राओं से भी लाभ पहुंच सकता है। आपकी जितनी भी प्रेम संबंधित समस्याएं हैं वे अब सभी दूर होंगी। जो लोग अपने प्यार की तलाश में हैं, उनको मन चाहा प्यार मिलने वाला है। आपको बहुत बड़ी खुशखबरी और सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। आपकी जितनी भी कष्टकारी स्थितियां हैं वे अब दूर हो जाएंगी। आप किसी दूर स्थान की यात्रा पर भी जा सकते हैं। आप लोगों को धन लाभ के अनेकों अवसर प्राप्त होंगे। आपका पारिवारिक माहौल बहुत ही शांतिपूर्ण बना रहेगा। आपको जीवन साथी का भी भरपूर सहयोग मिलेगा जिसकी वजह से आप लोग अपने कार्य क्षेत्र में सफलता हासिल करेंगे। आपको बता दें कि अब आपके अच्छे दिनों की शुरुआत होने वाली है। आपको वे सारी खुशियां प्राप्त होंगी जिसके आप हकदार हैं। जो लोग व्यापारी हैं उनको अपने किसी पुराने मित्र का भी साथ मिल सकता है। आप लोग किसी भी परेशानी में अपने पार्टनर का साथ ना छोड़ें। आप जल्द ही इस बात को देखेंगे कि आपके जितने भी रुके हुए कार्य हैं वे अब पूरे होने लगेंगे। आप लोगों का कैरियर अब चरम सीमा पर पहुंचने वाला है। आप लोग अपने कैरियर में अब एक अलग ही मुकाम हासिल करने वाले हैं। आपके परिवार में चल रहा कलेश दूर होगा। आपको लगातार हर कामों में दोस्तों की सहायता मिलेगी। आपके रुके हुए काम अब बनने लगेंगे। रुका हुआ धन भी आपको वापस मिल सकता है। नया काम करने के लिए आपके लिए जल्द ही समय बहुत ही अच्छा आने वाला है। आपका व्यापार चारों दिशाओं में फैलेगा। जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनको मन पसंद नौकरी मिल जाएगी। शेयर बाजार में भी आपको बड़ा मुनाफा मिलेगा। जमीन लेन देन के कार्य में आपको ढेर सारा धन प्राप्त हो सकता है। आप लोगों की किस्मत अब चमकने वाली है। आप लोगों के जीवन में उजाला आ सकता है। आप अपने संबंधों को लेकर बहुत अधिक ज्यादा गंभीर हैं और बहुत सोचते हैं। खुद को थोड़ा हल्का करें। अपने पार्टनर के साथ समय बिताएं। वैवाहिक जीवन में आप कुछ बेहतर करने का प्रयास कर सकते हैं। विकास की संभावनाएं रह सकती हैं। शारीरिक गतिविधियां आपकी अच्छी बनी रह सकती हैं। सेहत पर आपको थोड़ा सा अधिक ध्यान देने की जरूरत साबित हो सकती है। लंबे समय से अटके हुए कुछ बड़े कार्य आपके लिए समय पर होने वाले हैं। बच्चों के प्रति थोड़ा सा ध्यान देने की आपको जरूरत साबित हो सकती है। रोमांस का स्तर आपके लिए बढ़ने वाला है। सच्चा प्यार आपको अब वापस मिलने वाला है। कामकाज के मोर्चे पर समय आपके लिए बहुत ही बेहतरीन साबित होने वाला है। धार्मिक कार्य अच्छी तरीके से होते हुए आपको प्रतीत हो सकते हैं। कुछ परिस्थितियों को समझना आपके लिए बहुत जरूरी साबित होने वाला है। जय दोस्तों, अब आपको भाग्य का पूरा साथ मिलने वाला है।